नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। मैं आचार्य राजेंद्र शास्त्री, झांसी उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं डीवी भारती चैनल। देखते रहिए 12 राशियों का फल। हरि हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं 12 राशियों के विषय पर। सबसे पहले मेष। आज आपको कार्य यदि सिद्ध करना है तो आपको चाहिए मूंगा नामक रत्न धारण करना अथवा श्री हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। दूसरी राशि वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य में, जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। आपको चाहिए मोती रत्न पहने अथवा भगवान शिव की आराधना करना, शिव पंचाक्षर आदि जैसे स्तोत्रों का पाठ करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपका राशि स्वामी बुध है। आपको भगवान गणेश की आराधना करना, गणपति अथर्वशीष, गणेश पंचरत्न अथवा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आज आपकी अजनबी लोगों से भेंट होगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, राशि स्वामी बुध, पन्ना नामक रत्न पहने श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, धर्म के प्रति लगाव होगा। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, घर परिवार वालों का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, अनेक अचानक किसी बात को लेकर घर में अकलाई का माहौल बन सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, आज बच्चों के भविष्य को लेकर कोई नया तकनीक व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। कंक्रीट उद्योग आदि जगत क्षेत्र से सफलता हाथ लग सकती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।